आज सुबह से ही लगातार चुनावी माहौल दो राज्यों में चल रहा है। यहाँ पर बात हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के चुनाव हैं, जो बची हुई 70 सीटों पर है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर सभी 230 सीटों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है। लेकिन यह मतदान जब से शुरू हुआ है, लगातार यहाँ पर विवाद देखने को मिल रहा है। कभी पोलिंग बूथ पर छत्तीसगढ़ में फायरिंग हो जाती है, तो कभी हम देखते हैं कि नेताओं में आपस में झड़प हो जाती है। कई नेता तो यहां पर जनता को पोलिंग बूथ के बाहर ही लुभावन देने लगते हैं, यानी फ्रीबीज यहां पर जनता को दी जाती है और वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। इसी के चलते भाजपा के कई नेता नजरबंद हो जाते हैं। कांग्रेस नेताओं को भी सख्त आदेश दिए जाते हैं कि ऐसा ना करें। और देखा गया कि किसी पर गाड़ी चढ़ा दी गई तो यहाँ पर फायरिंग हो गई, यानी बवाल सुबह 7 बजे से ही मचा हुआ है और इसमें एक नया बवाल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि पोलिंग बूथ के अंदर की सारी गतिविधि उसमें दिखाई गई है कि कौन यहाँ पर किसको वोट देता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर किसको कितना समर्थन मिल रहा है, जहाँ पर ये सभी बातें गुप्त रखी जाती हैं। यहाँ पर लोग अपनी राजनीतिक सोच के अनुसार और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को देखकर ही वोट देते हैं, ये बातें गुप्त होती हैं। लेकिन यहाँ पर पोलिंग बूथ से ये बातें बाहर निकल कर आ रही हैं और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये वायरल वीडियो भ्रम भी फैलाता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। अभी तक वोटिंग का विवाद सुबह से नहीं सुलझा है और यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आ रही है। कमलनाथ प्रतिक्रिया देते हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान प्रतिक्रिया देते हैं और खुद वोट डालने भी जाते हैं, यानी चुनाव और हंगामा यहाँ पर आपस में परस्पर दिखाई दे रहे हैं। और इस वायरल वीडियो के बाद हड़कंप जो है पूरे चुनावी क्षेत्र में मच चुका है।